हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपको ये बताने वाली हूं और ये डिजाइन कैसे बनाने वाली हूं कि मैंने ये सिंपल ही बहुत ही सिंपल डिजाइन मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया। सिर्फ नेल आर्ट कोई टूल्स वगैरह से मैंने ये डिजाइन नहीं क्रिएट किए, तो आप आगे वीडियो में देख लीजिएगा और मैंने कैसे ये बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं अच्छा लगेगा तो भी लाइक कर दीजिएगा। तो मैंने ये बनाया और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आई एम नॉट वेल, तो इसके लिए मैं रेगुलरली वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली रेगुलरली वीडियो डाल सके और रेगुलर हो हूँ। लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, इसके लिए मैं नहीं कर पाती। और यहाँ गणपति का टाइम चला, आपको ये आवाज़ें आ रही है डोज नजारे की, तो गणपति का टाइम है यहाँ पर। मैं देखती हूँ अगर मैं भी कहीं गणपति अगर बैठते हैं मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ का ब्लॉग बनाने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप लॉकडाउन नहीं होता तो बहुत अच्छे अच्छे गणपति यहाँ पर बहुत अच्छे से बैठते हैं, तो मैं वो सारी दिखाती हूँ आपको। लेकिन अभी के चक्कर में आप लोग समझ ही रहे हैं, तो लेकिन तो भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा सकूँ। तो मैं ट्राई करूँगी कि दिखाने, आप मेरे से जुड़े रहिएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये नेल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो आगे देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या था मेरा नेल्स है, देख सकते हैं आप, मेरा नेल्स ज़्यादा बड़ा नहीं किया था पहले, मैंने अभी कट कर दिया था, फिर मैं इसको बढ़ाया आप वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मैं नेल्स आर्ट बताती हूँ, बहुत ही बेसिक। और मेरे पास है इतनी सारी नेल पॉलिश, ये आप देख सकते हैं, और इन सब से मैं नेल आर्ट आज करने वाली हूँ। तो मैं मार्केट गई थी तो मैं इतनी सारी खरीद ली, तो जिससे मैं जा नहीं पा रही थी, तो मैंने ये सारी नेल्स कलर खरीद ली और मेरे को ज़्यादा नहीं मिले मार्केट में भी, तो मैंने अभी बस इतना ही खरीदा है। फिर और देखती हूँ, फिर मैं और भी अच्छे अच्छे नेल्स आर्ट आपको लेके आऊँगी। तो मैं आज का मेरा जो बेसिक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं कोई टूल्स वगैरह इसमें यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ नेल पॉलिश से जो हम लोग अपने, इससे ही मैं सिर्फ सारी चीज़ आपको बताऊंगी कि इससे ही कैसे करते हैं। और मैं कोई भी इसमें टूल्स वगैरह ये वो हुआ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मैं बस इससे बताने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, पहले ये व्हाइट कलर का है, मैं इसको लगा ले रही हूँ। ये मैंने व्हाइट कलर का लगा लिया है, मैं अक्सर आप सूख जाए तभी लगाइएगा, मैं अभी जल्दी जल्दी वीडियो बनाने चक्कर में बहुत लंबा होगा। तो ये मैंने व्हाइट कलर का लगा लिया है, फिर मैं इसको इस पर रेड कलर से डिजाइन करने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हैं रेड कलर है ये, तो इसको थोड़ा सा सुखा लेते हैं। मैंने बंद किया है क्योंकि वीडियो शूट करते समय आवाजें आती है, तो देखिए इतनी इतनी मुश्किलें होती है करने के लिए, तो करना पड़ता है। और मेरी स्वेलिंग भी आपको आँख में थोड़ी दिख रही होगी, तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, आई एम नॉट वेल। लेकिन मुझे इसके लिए मैं डेली सूट अभी वीडियो नहीं ला पा रही थी, तो लेकिन अभी मेरे को डालना ही था क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर हैं, आप लोग मेरा वेट कर रहे होंगे कि वीडियो नहीं डाल ली क्या है। तो इसके लिए मैंने वीडियो इतने दिन तक मैं रेगुलरली नहीं डाल पाई, लेकिन मैं अब फिर से कोशिश करूँगी, जैसे मैं ठीक होती तो मैं फिर से रेगुलरली वीडियो डालूँगी। तो डोंट वरी प्लीज, आप थोड़ा सा मुझे भूलिएगा नहीं। तो मैंने लिया है ये देखिए रेड कलर का, मैं कुछ भी इसमें ऐसा टूल्स वगैरह यूज नहीं कर रही हूँ, ये रेड कलर का है, बस आपको ऐसे लेना है और मैं और पास से दिखा दे रही हूँ। ये देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया, मैं ऐसे डॉट डॉट करके मैं सारे में बना, मैं ऐसे डॉट कर लूंगी, बस ऐसे ही देख सकते हैं आप। कितना खूबसूरत सा बन गया है ये, आप इस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर भी लगा सकते हैं। आप इस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर लगा के बना सकते हैं, लाइट की वजह से शायद फ्लैश कैमरा ऑन है इसके लिए ऐसा नहीं दिख पा रहा है आपको, एक मिनट मैं कैमरा ऑन ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए बनाया, आप चाहे तो इसको और भी अच्छा बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बना ले रही हूँ। और आप इसमें कलर कोई सा भी रेड कलर लगा के ब्लैक से कर सकते हैं, कोई सा भी जो आपको पसंद कलर हो, जो आपकी चॉइस का कलर हो वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो बस बेसिक है, बहुत ईजी है
और देखिए कितना अच्छा सा आर्ट तैयार हो गया। ये मतलब रेगुलरली हम लोग उसको लगा के कर सकते काम, हो ज्यादा नेल आर्ट लगा लेते हैं तो काम भी करने में दिक्कत होती है, तो ये रेगुलरली है लेकिन आप अच्छा लग रहा है। बेसिक बहुत ही नॉर्मल नेचुरल अच्छा डिजाइन है ये। तो अब दूसरा मेरा है, मैंने अगेन रेड पॉलिश, जब तक ये सूख रहा है तब तक हम लोग दूसरा कर लेते हैं। फिर दूसरा मैं इसमें लगा के दिखा रही हूँ, बस हाफ में लगाऊंगी, हाफ साइड मैंने रेड लगाया है और हाफ साइड मैंने नहीं लगाया है। अब हाफ साइड में मैं दूसरा कलर लगाऊंगी, ब्लैक कलर, ये है ब्लैक कलर। और मैं ये हाफ में ब्लैक कलर लगा के दिखाती हूँ आपको, है कि दर्द लगे तो ऐसे क्यूटिप लीजिएगा और इससे साफ कर लीजिएगा ऐसे। नहीं तो इसका मैं भी और भी ट्रिक एक बताने वाली बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए ये बन गया है प्यारा सा कलर, सिंपल और प्यारी सी डिजाइन बन गई है। आप इसमें कोई सा भी कलर आप आपका फेवरेट कलर जो भी हो आप ये कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हमने ये कलर लिया है स्काई कलर, मैं इसको लगा लेती हूँ इस तरह हाफ में। मैंने स्काई कलर लगाते हैं और नेक्स्ट में और हाफ में मैं व्हाइट लगाने वाली हूँ। फिर मैं क्या करने वाली, मैं ग्लिटर कलर का नेल पॉलिश ली थी तो ग्लिटर कलर से मैं बस को थोड़ा सा और भी क्रिएट करने वाली हूँ। इसके बीच में जो है उसके गैप जो बीच में इस दोनों का निशान हुआ है तो उसके बीच में मैं ये लगाने वाली हूँ। आप चाहे तो वैसे भी रख सकते हैं, नहीं तो एक एक करके लगाएंगे, टाइम रहता तो आप चाहे तो हर नेल्स में ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, नहीं तो एक ही प्रकार का सब में लगा सकते हैं। तो मैं जल्दी लिए भी लगा रही हूँ, मैं ज्यादा उसको सुखा नहीं रही हूँ तो इस तरह से ये हो रहा है, सूखने के बाद और भी अच्छा हो जाएगा। और नेक्स्ट मेरा जो है, नेक्स्ट में अगेन हाफ में रेड कलर का लगाऊंगी, रेड कलर लगा लिया है देख सकते हैं आप। और हाफ में मैं येलो लगाने वाली हूँ, मुझे ज्यादा येलो कलर नहीं मिला, डार्क येलो नहीं मिला, तो आप डार्क येलो लेंगे तो ज्यादा ही अच्छा आएगा, ये देख सकते हैं। तो ये थोड़ा हल्का येलो है, ठीक है, मैं इसको सूखने देती हूँ ये वाला, फिर मैं इसको और भी क्रिएट करती हूँ। और नेक्स्ट में लगाने वाली हूँ अगेन मैं रेड कलर, मैंने ये इतने में रेड लगा लिया है, स्काई लगाने वाली हूँ, फिर मैं इतने में स्काई लगा लिया है, व्हाइट लगाऊंगी, मेरा आगे थोड़ा सा बच गया है तो उसमें मैं व्हाइट लगाने वाली हूँ। तो ये लगा लिया है मैंने, अब इसको मैं थोड़ा सूखने देती हूँ, तो सूखने के बाद आप इस तरह भी लगा के रहने दे सकते हैं। और मैं बैक कैमरे से भी इसको अच्छे से दिखा दूंगी, इसमें अभी फ्लैश लाइट की वजह से इतना अच्छा से कलर नहीं निकल के आ पा रहा, लेकिन सच में गाइस ये बहुत ही सुंदर नेल आर्ट्स बना है, बहुत बेसिक नेल आर्ट्स बना है। आप मतलब बेसिक है ये, आप चाहे तो इसमें कोई सा भी कलर लगा के ऐड कर सकते हैं। मैं और भी इस पे अगर आपको ये पसंद आएगा ये वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, मैं बहुत और भी ऐसे नेच बहुत ही अच्छे इजी टीजी लेके आने वाली हूँ। मतलब आपको कोई टूल्स वगैरह खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ नेल पॉलिश से, ये सारी नेल पॉलिश जो होती है उससे ही लगा के आप इस तरह से अच्छे से नेल आर्ट्स बना सकते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा सूखने देती हूँ मैं, तो सूखने के बाद आप इस तरह भी इसको ऐसे रख सकते हैं, और चाहे तो मैं अभी और बताने वाली हूँ थोड़ा सूखने के बाद, तो मैं सूखने के बाद मिलती हूँ आपसे। सूख गया था तो फिर मैं इसमें अगेन मैंने ब्लैक कलर का लिया है, और ये वाला जो है मैंने रेड और येलो से बनाया था, इसके ऊपर मैं डॉट डॉट लगाने वाली हूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं, तरह से डॉट डॉट लगाने वाली हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें डॉट डॉट लगा दिया है, ये मैं बैक कैमरे से भी करके दिखाऊंगी, अभी इसमें इतना अच्छा से दिख नहीं रहा है, ये देख सकते हैं आप। मैं फेस लाइट ऑफ कर देती हूँ, तो ये देखिए ये मैंने इसको
डॉट डॉट इस तरह से लगा लिया था, देख सकते हैं। और मैं इसको और भी इसमें इम्प्रूव करने वाली हूँ, तो वाइट कलर का लिया और इसमें भी मैं उसी तरह बना ले रही हूँ। इस तरह मैं डॉट रख रही हूँ, दस सिर्फ इजी सा नेल आर्ट, तो आप इस तरह से बना के लगा सकते हैं। तो और इसके बाद ये सूख जाता है, तो सूखने के बाद आपको क्या करना, इस तरह की वाइट आता है ये इस तरह का, तो ये वाइट पेंट आप इसके ऊपर लगा लेंगे तो ये बहुत ही शाइनी हो जाएगा और ये बहुत दिन तक आप मतलब बहुत देर तक टिका रहता है, तो जल्दी निकलता नहीं है और कलर भी अच्छा आता है। तो इसको मैं पहले सूखने देती हूँ। तो ये लगाने के बाद अब ये डिजाइन सेट हो जाती है, ये सेट हो गई है। अब ये निकलेगी नहीं निकले वो नहीं होगा, तो आप सूखने के बाद इस तरह से इसको ऊपर से एक कोट लगा लीजिए, सूख जाए अच्छे से, फिर आप इसको एक कोट ये लगा लेंगे तो फिर ये जो ये आपने डॉट दिए है ना, वो डॉट एकदम पानी की तरह आता है, ऐसा लगता है कि मैंने मतलब क्या क्रिएट किया। ऊपर से पॉलिश जब लगा लेते तो मैं खराब, जब इसको सूख जाए तो सूखने के बाद आप इसको इस पे एक वाइट कोट लगा लीजिए, वाइट ऐसे, तो ये आप फिर इसके ऊपर गाइस बहुत सुंदर दिखने वाली आपकी नेल्स। और इस तरह से करने के बाद तो मैं बैक कैमरे से पहले इसको आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस ये था मेरा नेल आर्ट, ये देखिए मैंने लगा बनाया था, तो ये था ये वाला वाइट वाला और ये था फिर ये, और आप लोग देख सकते हैं कैमरा कैच करा, बहुत ही सुंदर कलर आ आया है, कैमरा इससे अच्छे से कैच नहीं कर पा रहा है। और मैंने तीज में मेहंदी लगाई थी थोड़ी सी, तो वो भी निकल रही है, तो ये देख सकते हैं आप। मैं ज्यादा भी बातें नहीं करूंगी और मैं गणपति में पूरी कोशिश करूंगी, यहाँ मुंबई में हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अगर नहीं पता तो आप मेरा ब्लॉग देख लीजिएगा, मैंने उसमें सारा बताया है। मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पे गणपति बहुत अच्छे से बैठते हैं आपको पता ही है, तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी, ट्राई जरूर करूंगी आपको दिखाने की। तो इसके लिए आप मेरे से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा नहीं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, डिसलाइक मत करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कर दीजिएगा, लाइक से कुछ नहीं आता है, वीडियो कॉस्ट है, तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।